नमस्कार, न्यूज नेटवर्क के उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको खबरों के साथ साथ हर रोज उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे तीरथ सिंह रावत, शुरू किए सरकारी कार्य। उत्तराखंड में बच्चों को नहीं अब कोरोना से डरने की जरूरत, तैयार हुआ 90 बेड का चिल्ड्रन कोविड कर्फ्यू वार्ड। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का बड़ा ऐलान, नवी के नंबरों के आधार पर पास होंगे 10वीं के छात्र। आज बदल सकता है मौसम का मिजाज, बुलेटिन में देखें मौसम विभाग की खास रिपोर्ट। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर इंदिरा का हल्ला बोल, प्रदेश में डॉक्टरों की कमी का लगाया आरोप। छात्रों के लिए इग्नू ने की खास सर्विस की शुरुआत, अब ऑनलाइन जमा कर सकेंगे असाइनमेंट। सल्ट विधायक महेश जीना ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ, सीएम तीरथ समेत कैबिनेट मंत्रियों ने दी बधाई। देश में सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी में पेटीएम, बुलेटिन में देखें अब तक कौन था रेस में सबसे आगे। इंडियन एयरफोर्स स्कूल में निकली बंपर भर्ती, 18 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन। पिछले 24 घंटे में 6000 से अधिक लोगों ने कोरोना से जीती जंग, राज्य में घटने लगी कोरोना की रफ्तार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूजा अर्चना कर सरकारी कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनता की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है, प्रदेश कोविड से जीत जरूर हासिल करेगा। सीएम तीरथ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। सचिवालय में तो लगातार रात दिन काम कर ही रहा था। आज विधानसभा के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, और वो भी जीना जी के शपथ के कारण, और साथ में अपना भी मैंने विधानसभा का कार्यालय का हवन के साथ में पूजा पाठ के साथ में प्रारंभ किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो उत्तराखंड की जनता चाहती है उसमें हम लोग खरा उतरेंगे, यहाँ का चौमुखी विकास करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। और कोविड पे हम जीत हासिल करेंगे, उसके लिए पूरी तरह प्रयास हमारा जारी है, और थर्ड वेव के लिए भी हम पूरी तरह तैयार हैं, उसके लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की हैं। खबर प्रदेश में तैयार चिल्ड्रन कोविड क्यूबिक वार्ड की। ऋषिकेश स्थित राइफल मैन जसवंत सिंह रावत अस्थायी अस्पताल में प्रदेश का पहला 90 बेड का चिल्ड्रन कोविड क्यूबिक वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए भी 90 बेड आरक्षित रखे गए हैं। यह पहला अस्पताल होगा जहां परिजनों को रोजाना मरीजों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए रैबार विभाग भी बनाया गया है। बता दें कि इस अस्पताल में कोविड गाइडलाइन और विदेश के बड़े संस्थानों की चिकित्सा विधि के आधार पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। अस्थायी अस्पताल के प्रभारी की माने तो कोविड की तीसरी लहर के बच्चों के संक्रमित होने की आशंका और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। खबर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा कोरोना संक्रमण के चलते निरस्त हुई 10वीं की परीक्षा में छात्राओं को प्रोन्नत करने के लिए मानक तय करने की शुरुआत कर दी गई है। सूत्रों की माने तो नवी में मिले अंकों के आधार पर छात्र को 10वीं में नंबर दिए जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा सभी विद्यालयों से छात्रों की 9वीं व 10वीं के आंतरिक मूल्यांकन के अंकों की डिटेल मांगी है। बता दें कि प्रदेश में 10वीं में 1,48,355 छात्र पंजीकृत हैं। खबर उत्तराखंड में मौसम के मिजाज की। राज्य के पर्वतीय इलाकों में आज से मौसम करवट बदलेगा, इससे जिले के पहाड़ी इलाकों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली जिलों में तेज गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्की बर्फबारी की आशंका है, जबकि मैदानी इलाकों में हल्के बादल के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। खबर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदेश ने कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध नहीं होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देहरादून पहुंच गए हैं लेकिन हल्द्वानी नहीं, जिससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश में डॉक्टरों का संकट खड़ा हो गया है, साथ ही लोगों की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है, जिस कारण मरीज ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं खरीद पा रहे हैं। खबर इग्नू द्वारा शुरू की गई नई सुविधा की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने विद्यार्थियों के लिए असाइनमेंट ऑनलाइन जमा करने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए इग्नू ने विद्यार्थियों को अपने स्टडी सेंटर को गूगल फॉर्म के लिंक के जरिए
ऑनलाइन भेजने का प्रावधान किया है। असाइनमेंट जमा करने के लिए इग्नू ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। इग्नू के मुताबिक यदि किसी विद्यार्थी का स्टडी सेंटर असाइनमेंट जमा करने की तिथि से पहले खुल जाता है तो वह असाइनमेंट की हार्ड कॉपी सीधा स्टडी सेंटर में भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा डाक से भी असाइनमेंट भेजा जा सकता है। खबर विधायक महेश जीना के शपथ समारोह की। अल्मोड़ा जिले की सल्ट सीट से नवनिर्वाचित विधायक महेश जीना विधिवत विधानसभा सदस्य बन गए हैं। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत, सतपाल महाराज, गणेश जोशी व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत समेत कई विधायकों ने उन्हें बधाई दी। खबर पेटीएम के आईपीओ की। देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट्स प्रोवाइडर कंपनी पेटीएम आईपीओ लाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक कंपनी की योजना 21,800 करोड़ रुपए जुटाने की है। कंपनी का आईपीओ इस साल के बाद में आ सकता है और यह देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। देश में अब तक सबसे बड़ा आईपीओ कोल इंडिया लिमिटेड का था। 2010 में कंपनी ने इसके जरिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि जुटाई। खबर एयरफोर्स स्कूल में भर्ती की। एयरफोर्स स्कूल बमरौली ने ट्रेड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के 4 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन के साथ सीवी भेजने की अंतिम तिथि 18 जून रखी गई है। शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। आयु सीमा 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वेतनमान 25,500 से 41,000 प्रतिमाह रहेगा। अभी आवेदन के लिए आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से बढ़ रहे संक्रमण में अब कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2,146 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 गुना यानी 6,306 मरीज कोरोना से जंग जीतकर डिस्चार्ज हुए हैं। अब राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 39,177 हो गई है, जबकि अभी 11,704 लोगों की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। गुरुवार को जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक 81 लोगों की मौत हुई है। वहीं अल्मोड़ा में 178, बागेश्वर में 74, चमोली में 153, चंपावत में 41, देहरादून में 330, हरिद्वार में 219, नैनीताल में 361, पौड़ी गढ़वाल में 181, पिथौरागढ़ में 252, रुद्रप्रयाग में 58, टिहरी में 91, उधमसिंह नगर में 205 और उत्तरकाशी से कोविड के 103 नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड की शख्सियत में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुधांशु पांडे के बारे में। सुधांशु पांडे एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेता, गायक और एक फैशन मॉडल हैं। वो हाल ही में सलमान खान की फिल्म राधे में एक नेगेटिव किरदार में भी नजर आए। सुधांशु का जन्म 22 अगस्त 1974 को उत्तराखंड में हुआ, जिसके बाद काफी समय उन्होंने यहीं व्यतीत किया। वह भारत के पहले बॉय बैंड ए बैंड ऑफ बॉयज का हिस्सा थे। फैशन मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के बाद उन्होंने 2000 की बॉलीवुड फिल्म खिलाड़ी 420 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों और टीवी शो में अभिनय किया, जिसमें हॉलीवुड एक्शन हीरो जैकी चैन की द मिथ फिल्म भी शामिल है। मई 2018 में वह अपना पहला सिंगल तेरी अदा लेकर आए। सुधांशु 2002 में बैंड ऑफ बॉयज में दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन कॉल बीटा में टीवी धारावाहिक में भी काम किया। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।